सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन साइड। सो आज हम देखने वाले हैं कि तुलसी के ऊपर जो कीड़े की अटैक होती है गाइस, आप देख सकते हो इस वीडियो में जो मेरा तुलसी को पौधे के पूरे लीव्स को खा दिया है इस स्लग ने गाइस, स्लग स्नेल्स कौन से भी हो गाइस, तो ये इसको कैसे अवॉइड करने का हमारे गार्डन में गाइस। और जो ब्लैक डॉट्स आते हैं हमारे तुलसी के ऊपर, जो ब्लैक कीड़े आते हैं और हमारे तुलसी को ख़राब कर देते हैं, आज हम यही सीखेंगे कि तुलसी के पौधे को कैसे बचाने का है। सो गाइज़ ये जो आप ब्लैक कीड़े देख सकते हैं तुलसी के ऊपर, मैं आपको कट करके दिखाऊंगा गाइज, ये पूरे तुलसी के ऊपर लगता है ब्लैक कीड़ा, आपको दिखाता हूँ मैं। सो गाइज़ आप ध्यान से देखिए इस पत्तों के ऊपर और स्टेम के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा कीड़ा है, जो आपको यहाँ दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा कीड़ा गाइज, ब्लैक और वाइट कीड़े दिख रहे हैं। यही जो कीड़े होते हैं वो हमारे तुलसी के प्लांट को खा देते हैं, मार देते हैं और तुलसी की लीव स्लोली स्लोली डिक्रीज होती है, साइज जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है और तुलसी का पौधा सूखना शुरू हो जाता है और तुलसी का पौधा मर जाता है। ये कॉमन रीज़न होता है ठंड में, और पहले ही बात तो ठंड में हमारी तुलसी बहुत ही ख़राब हो जाती है गाइज़। सो आज हम यही ट्रीटमेंट देखेंगे। सो गाइज़ अभी हमको जो फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखने का है कि हमको तुलसी के पौधे को कहाँ रखने का है। आपको एक बार ध्यान रखना होगा कि आपको तुलसी के पौधे को शिफ्ट करना होगा यदि उसके ऊपर कुछ आ गया है तो गाइस। और जो सेकंड रीज़न है हमको, सेकंड पॉइंट है वो हमको कट करने की, तुलसी के स्टेम्स हमको फुल्ली प्रून करने का है तुलसी को, जहाँ जहाँ आपको कीड़ा दिख रहा है वहाँ से आपको प्रून करने का आपको तुलसी को। सो अभी गाइस फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं हमारा ये वीडियो। सो गाइस एक बार ध्यान रखने की, जहाँ आपको कीड़ा नहीं दिख रहा है वहाँ से आपको कट नहीं करने का है बिल्कुल भी। आप देख सकते हो कितना इस कीड़े ने खा लिया और स्लग ने खा लिया है गाइस, और इसको दूर रखने का है दूसरे तुलसी के इससे गाइस। मेरी जो बाजू में तुलसी है उसको भी उसने काट लिया था गाइस, तो वो तुलसी भी ख़राब हो गई। आपको सब प्रून करने के ब्रांचेस जहाँ जहाँ आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपके पत्ते कट गए हुए हैं। और नेक्स्ट बात यह है कि आपको एक बायोटॉक्सिक स्प्रे लेने का है, कौन सी भी पेस्टिसाइड लेने की है, आप होममेड पेस्टिसाइड भी ले सकते हो यहाँ। और हमारे पूरे तुलसी के ऊपर, मतलब कि तुलसी के स्टेम्स, तुलसी के लीव्स के ऊपर ये जो पेस्टिसाइड है वो स्प्रे करने का होगा गाइस, जिससे जो कीड़े हैं वो ज़्यादा ग्रो ना हो जाए हमारी तुलसी के ऊपर। आपको डेली ने तो वीक बेसिस पर एक बार कर लेना है, मैं तो बोलता हूँ गाइस आप 3 दिन में इसके एक बार इसके ऊपर ये पेस्टिसाइड ट्राई करनी होगी गाइस, जिससे इसके ऊपर कौन सा भी पेस्ट अटैक ना हो जाए और दूसरे भी आसपास जो तुलसी हो या कौन से भी प्लांट हो उसके ऊपर भी स्प्रे कर देना है, जिससे उसका वायरस, उसका जो कीड़ा होगा वो दूसरे प्लांट में ना जाए गाइस। पूरे स्टेम के ऊपर आपको स्प्रे करने का, जिससे उसके ऊपर फिर से वो कीड़ा ना ग्रो करे। उसके बाद में गाइस आपको वाटर देने का है, और वाटर इतना देने का है कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए और मिट्टी में वाटर का मॉइस्चर होना चाहिए गाइस, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा जिससे तुलसी फास्टली ग्रो करे। और गाइस इसको सनलाइट भी देनी होगी जिससे ज़्यादा कीड़ा ग्रो ना हो जाए, और वाटरिंग थोड़ी कम ही करनी की है, मतलब मैं अभी डेली नहीं करता गाइस वाटरिंग। और नेक्स्ट बात यह है कि आपको वीड्स भी रिमूव कर देने के गाइस, जो भी वीड्स हमारे सॉइल में ग्रो हो रहे हैं वो सब के सब वीड्स निकाल देने के, बिकॉज उससे तुलसी ग्रो नहीं होगी, बिकॉज हमने प्रूनिंग की है तो तुलसी ग्रोइंग करना बंद कर देगी और जो वीड्स होगी वो फास्ट ग्रो करेगी, इसलिए आपको वीड्स भी कट कर देने के हैं पूरे के पूरे। और उसके ऊपर वाटर देना है इसके, अभी फर्टिलाइजर्स भी कौन से नहीं देने के हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको वाटर और सनलाइट देनी है, वो भी सुबह की गाइस। आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी की पेस्टिसाइड की और प्रूनिंग की, और जहाँ भी कीड़ा दिख रहा है वहाँ आपको स्प्रे करना होगा। और आप रिजल्ट्स तो देख ही जाओगे गाइस, 1 से 2 वीक में आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे, और तुलसी ग्रो करना स्लो करेगी गाइस, बिकॉज विंटर सीजन है और विंटर सीजन में तुलसी ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं करती। तो गाइस यही आप देख सकते हो, यहाँ मेरे को मिल गया है वो जो स्लग होता है, ये जब बड़ा होता है तब सब खा देता है गाइस और पूरे तुलसी को ख़राब कर देता है। तो गाइज़ आपको चेक करने को एक एक लीव्स आपको चेक करके उसको